वेलकम टू अतरखान स्टोरी चैनल। दोस्तों आज मेरे पास कोई खास स्क्रिप्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी में एक बहुत ही प्यारा सबक हासिल होगा। कहानी का टाइटल है किसी के मुतालिक कुछ कहने से पहले सोचिए जरूर। दोस्तों एक 24-25 साला नौजवान बहुत इश्तियाक के साथ रेलगाड़ी में सफर कर रहा था और दौरान सफर उसके साथ उसके वालिद भी मौजूद थे और वो अचानक अपने बाबा से कहने लगा, बाबा देखें दरख्त कैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। और फिर नौजवान अचानक पुरमुसर्रत अंदाज से चिल्लाने लगता है। बेटे का ये इश्तियाक देखकर उसके वालिद साहब भी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो साथ सफर कर रहा था उसने काफी अजीब सी नजरों से इस बचकाना रवैये को देखा। कुछ ही देर बाद बेटा फिर से चिल्लाया और कहने लगा कि बाबा देखें बादल हमारे साथ साथ भाग रहे हैं। उस नौजवान की ये बातें सुनकर इस दफा ये जोड़ा खुद को रोक न सका और बूढ़े वाले साहब से कहने लगा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। उस जोड़े की ये बात सुनकर नौजवान के वाले साहब फिर से मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने दिखाया है, हम बस अभी हॉस्पिटल से अपने घर वापस जा रहे हैं। मेरा बेटा पैदाइशी नाबीना था, ऑपरेशन के बाद उसे आंखें मिली और वो देखने के काबिल हुआ। दोस्तों इस दुनिया के हर शख्स के साथ कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी है। दूसरों के मुतालिक अंदाजा लगाने में बहुत जल्दी ना कीजिए, क्या मालूम इसकी वजह क्या हो और बाद में आपको हकीकत जानकर पछताना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा मैसेज बहुत पसंद आया होगा, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।